दोस्तों वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त आर्यन महापात्र और आज आपको स्वागत करता हूँ टेक बाय आर्यन के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मुझे आप कमेंट में जरूर बताओ, आपके पास 5 मिनट है, मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, जल्दी से बताओ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है, आप एक क्रिएटर हो और आपको एक फोन चाहिए बहुत दिनों से पहले, और आपका बजट 5 से 6 हज़ार तक है, और आपको ऑफलाइन में ऐसे कोई फ़ोन्स नहीं मिल रहे हैं 5 हज़ार से 6 हज़ार के बीच में। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, आज मैं आपके लिए 5 हज़ार से 6 हज़ार तक के बीच में ऐसे 5 बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फ़ोन्स लाया हूँ, जो जिसमें आपको 5000 तक mAh के बैटरी आपको मिल जाएगी, कम से कम 8 की 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाएगा, और अच्छी परफॉर्मेंस भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो 5 मोबाइल्स। तो मैंने आपके लिए 5 मोबाइल ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं, और मैंने सारी स्टोरेज 8 से 32 GB तक के बीच तक मैं स्टोरेज रखा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला फ़ोन जिसका नाम है जियोनी मैक्स। बहुत ही अच्छा फ़ोन है मेरे हिसाब से, और ये जियोनी मैक्स प्रो है। इसका प्राइस 6999 रुपीज़ है, और ये 3GB 32GB स्टोरेज में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं इन सभी फ़ोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो इस पर आपको 6000 mAh की बैटरी, यहाँ पर आपको 6.62 HD+ डिस्प्ले मिल जाएगी, 13 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल ब्रोकन लेंस डुअल रियर कैमरा भी आपको मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, डुअल नैनो सिम, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 है, रिवर्स चार्जिंग, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, फेस अनलॉक, गूगल असिस्टेंट की, और ये 3GB और 32GB के वेरिएंट में आता है, जिसको आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 250GB तक। तो ये भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको बजट फ़ोन चाहिए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमारा दूसरा फ़ोन है यूनिक्यू 2 प्लस। ये भी एक माइक्रोमैक्स का कंपनी है, ये भी एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जो 3GB 16GB के स्टोरेज और वेरिएंट में आता है। इसका 2 कलर है, एक सिल्वर कलर और एक है ब्लैक कलर, एक सिल्वर और एक ब्लैक। अगर आप चाहिए तो कोई भी कलर आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस, और इसके स्पेसिफिकेशंस भी बहुत ही अच्छे हैं। ये आपको 3GB RAM 16GB स्टोरेज पे आपको मिलता है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 64GB तक। इस पर आपको एक 5 इंच का HD+ डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और ये 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और आपको इसमें 2500 mAh की लिथियम
आयरन बैटरी आपको इस पर मिल जाती है। और इसका प्रोसेसर मीडियाटेक MT6737 क्वाड कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है और इस पर आपको ब्रांड वारंटी 1 साल का मिल जाती है। और जो हमारा पिछला फ़ोन था जो जियोनी मैक्स था उस पर आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलती है, तो ये माइक्रोमैक्स से जियोनी बेहतर है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा नंबर फ़ोन, और इस जिसका नाम है कार्बन X21। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है 6000 के नीचे वाले फ़ोन में, और ये 2GB 32GB के वेरिएंट में आता है। और चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशंस। इस पर आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 5.45 इंच का HD+ फुल व्यू डिस्प्ले आपको इस पर मिल जाती है, 8 MP का AI रियर कैमरा इस पर आपको मिल जाता है, 5 MP का फ्रंट कैमरा विथ फ्लैश, इस पर डुअल नैनो सिम, और इस पर इस फ़ोन में आपको एंड्रॉयड 10 गो एडिशन मिलता है, और रिवर्स चार्जिंग, फेस अनलॉक, ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 2GB 32GB के वेरिएंट्स, ये बिल्कुल ही जियोनी मैक्स का कॉपी आप बोल सकते हो। लेकिन जियोनी मैक्स में 6000 mAh की बैटरी मिलता था और इसमें 3000 mAh की बैटरी, उस पर आपको 3GB RAM मिलता था, इस पर आपको 2GB RAM मिलता है, बस इतना ही डिफरेंस है। और उस पर एंड्रॉयड 10 का आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता था, और इस पर आपको एंड्रॉयड 10 गो एडिशन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो बस इतना ही फ़र्क है, आपकी मर्जी है आप कौन सा भी ले सकते हो, लेकिन मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे चौथे नंबर फ़ोन। ये हमारे सभी फ़ोन से बहुत ही सस्ता फ़ोन है जिसका नाम है आईकॉल K200 गोल्डन, 2GB 16GB के वेरिएंट में आता है और जिसका कॉस्ट है 4300 rupees। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो ये लुक वाइज ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशंस। ये 2GB 16GB के वेरिएंट में आता है, 5.5 इंच का डिस्प्ले है, और 5 MP का रियर कैमरा, और 2000 mAh की बैटरी भी आपको इस पर मिल जाएगी। ये आपको प्राइस के हिसाब से इस फ़ोन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से आपको ऊपर के जो 3 ऑप्शन इससे बेहतर हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे 5वें फ़ोन की तरफ। हमारे 5वें फ़ोन का नाम है पैनासोनिक अलुगा i6। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो पैनासोनिक अलुगा 5-6 हमेशा आउट ऑफ स्टॉक में ही रहता है, तो आप देख सकते हैं ये लुक वाइज ऐसा दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है मेरे हिसाब से, आपको किसी दिक्कत नहीं। तो ये है पैनासोनिक अलुगा i6, ये 5500 रुपये का आता है, 2GB 16GB के वेरिएंट्स में आता है। तो चलिए देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। ये 2GB 16GB के वेरिएंट में आता है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 256GB तक, और इस पर आपको 5.45 इंच का FWVGA डिस्प्ले आपको मिलता है, और इस पर 8 MP रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, और इस पर आपको 3000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और मीडियाटेक का प्रोसेसर मिल जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप एक क्रिएटर हो और आपको एक लो बजट फ़ोन चाहिए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है अगर आप चाहिए तो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो ये थे हमारे 5 सबसे अच्छे लो बजट वाले फ़ोन। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको इस तरीके के वीडियोस और चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में। तो वीडियो में यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।
We'll be right back.